जय हिंद साथियों, आज हम यहाँ कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा, फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे हम एनपीएस से संबंधित कुछ तथ्य, और दूसरे पॉइंट पे जो हम बात करेंगे उस पे हम बात करेंगे कि एनपीएस से कितना पेंशन मिलता है, कितना पेंशन मिलता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा पंद्रह से 20 लाख का नुकसान होगा आपका कैसे। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा नौकरी छोड़कर भागने वालों का नुकसान। तो हम इन चार मुद्दों पर बात करेंगे। पहला हो गया हमारा एनपीएस से संबंधित कुछ तथ्य, उसके बाद एनपीएस से कितनी पेंशन बनती है, वो तीसरा 15 से 20 लाख का नुकसान कैसे, और नौकरी छोड़कर भागने वालों का क्या क्या नुकसान है। अब हम बात करें एनपीएस की, तो ये है न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम, इसके बारे में तो सभी को पता ही है। और इसमें क्या है कि पहले गवर्नमेंट 10% हमारा कटता था बेसिक प्लस डीए, और उसके बाद 10% ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी, फिर इसे बढ़ाकर 24% कर दिया गया था। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। और ये जो एनपीएस का प्रोग्राम था वो 2004 से लाया गया था, 1 जनवरी 2004 से लाया गया था। और जो सिविल पर्सन होता है, सिविल व्यक्ति होता है, वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। जो सिविल व्यक्ति एनपीएस अकाउंट ओपन करता है तो वो अपनी तरफ से ही कंट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट उसमें कोई कंट्रीब्यूशन का अपना नहीं करती। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने अभी लेटेस्ट में जॉब छोड़ी हुई है, तो उनके एनपीएस अकाउंट में टोटल अमाउंट जो था वो 7 लाख के समथिंग था, 7 लाख के समथिंग उनके अकाउंट में। तो उनकी पेंशन बनाई गई थी 2386 रुपये पर मंथ। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि 7 लाख रुपए का, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जो 2024 में रिटायर जाने वाले हैं एनपीएस के माध्यम से, उन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उस पे वीडियो बनाया था। तो मैंने पहले ही बताया था कि यदि आप 60 साल की एज तक, 60 ईयर की एज तक जॉब करते हैं, तो आपको टोटल अमाउंट का 60% मिलेगा, और 40% का आपको एन्यूटी खरीदना पड़ेगा, मतलब पेंशन के लिए 40% अपना छोड़ना पड़ेगा। यदि आप 60 साल से एक दिन पहले भी जॉब छोड़ते हैं, तो आपको टोटल अमाउंट का 20% ही मिलेगा, और 80% आपको एन्यूटी के लिए छोड़ना पड़ेगा, जिस पर आपको पेंशन मिलेगी। ये मैंने पहले भी बताया था, जो एनपीएस रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं उनके बारे में, मतलब जो 2024 में रिटायरमेंट लेने वाले हैं, जिनके 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो
तो इस पिछली वीडियो में भी बताया था, वो मेरी वीडियो काफ़ी पॉपुलर हुई थी और लगभग 1,30,000 लोगों ने वो मेरी वीडियो देखी है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं लिंक आई बटन पर दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब जो हमारे मित्र जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो उनका एनपीएस में टोटल अमाउंट था 7 लाख रुपए, जिसका उन्हें 20% मिला, 1,40,000 रुपये, और शेष जो अमाउंट बचा उनका, और 80% जो अमाउंट बचा वो बचा 5,60,000 रुपये। ये जो 5,60,000 रुपये बचा, इस पर एनपीएस ने हमारे मित्र की जो पेंशन बनाई थी वो बनाई थी 2,386 रुपये। अब इसमें एक कंडीशन और होती है, जो मैंने कुछ प्लान होते हैं कि आपको कौन सा पेंशन प्लान लेना है कौन सा नहीं लेना, तो इसमें सिक्स या सेवन टाइप के प्लान होते हैं, उनमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा प्लान आपको लेना है। तो इन्होंने प्लान जो सिलेक्ट किया हुआ है उसमें क्या है कि आपका ये जो 5,60,000 रुपये है, इस अमाउंट पर एनुअल मतलब साल में 3% बढ़ेगा प्रत्येक साल, मतलब 3% बढ़ेगा, और यदि जो आपको पेंशन मिल रही है इस पर 5% पर ईयर बढ़ेगा। तो इन्होंने ये प्लान लिया था, और इसमें भी एनपीएस में दो तरह के प्लान होते हैं। जैसे आपका 7 लाख रुपए जमा था, या तो आप पूरे पर पेंशन बनवा सकते हैं, पूरे 7 लाख रुपए की एनपीएस के माध्यम से पेंशन बनवा सकते हैं, या फिर 20% लेके 80% की पेंशन बनवा सकते हैं। अभी ये जो 2,386 रुपये इनकी पेंशन बनी, ये आजीवन मिलती रहेगी, और आफ्टर डेथ ये पैसा इनकी नॉमिनी को दे दिया जाएगा, जो इनकी नॉमिनी है उन्हें दे दिया जाएगा। और इस पर जो मैंने अभी बताया कि टोटल अमाउंट है, जैसे कि 5,60,000, उस पर 3% पर ईयर बढ़ेगा, यदि आपका मतलब सैलरी पे बढ़ाते हैं तो 5% 3,86 का पर ईयर बढ़ेगा। इसमें एक कंडीशन और होती है कि यदि आपका अमाउंट पाँच लाख से कम है तो आपका पूरा अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। अब मैं वही बात कर रहा था कि यदि 2,386 रुपये आप पर मंथ पेंशन ले रहे हो, और यदि 20 से 25 साल तक आप लगातार लेते हैं पेंशन, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि आप जल्दी जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि इतने टाइम तक पेंशन ले ही सकते हैं आप, तो उस पर मतलब डीए वगैरह बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी, तो आप 15 से 20 लाख रुपये ले सकते हैं। और कई लोग क्या होते हैं कि मतलब इसमें भी भगोड़ा हो जाते हैं, भगोड़ा तो उसमें क्या है कि वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। मान लो कि आप मान के चलो आपने 5 साल या 10 साल जॉब करने के बाद आपका एनपीएस में जो अमाउंट जमा है वो आपको नहीं मिलेगा, तो वो आपका नुकसान हो गया। दूसरा, आपको भगोड़ा घोषित हुए हैं तो आपका करेक्टर ख़राब होगा। तीसरा, आप कहीं भर्ती नहीं दे, दूसरी वैकेंसी वगैरह में भर्ती नहीं देख सकते, और जब आप मतलब त्याग पत्र देकर जाएंगे अपनी जॉब से, तो उसमें क्या है कि
आपको मतलब पूरा पैसा मिलेगा जो भी मतलब 10 साल पहले छोड़ते हैं, तो कुछ कंडीशनें होती हैं कि आपको इतना अमाउंट भरना पड़ेगा या जो भी कंडीशन बना रखी है वो पेमेंट है, यदि आप जमा करेंगे तो आपके मतलब NPS का पूरा पैसा मिल जाएगा। तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो पेंशन टाइप की बना देंगे, जो आप मतलब इंक्रीमेंट 5% बढ़ता रहेगा या 3% जो भी कंडीशन बनती है उस हिसाब से बढ़ेगा, तो आपका ही बेनिफिट होगा। तो इसलिए आपको भगोड़ा घोषित नहीं होना है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो LDCE देते हैं, तो LDC वाले भी LDC वाले कंडीशन में आपको NOC लेना अनिवार्य है। NOC जो है वो लेना अनिवार्य है। यदि आपने NOC नहीं ली है तो आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है। NOC लेने के बाद क्या है कि आपका किसी में सिलेक्शन हो जाता है तो आप नॉन टेक्निकल रिजाइन कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल रिजाइन या 3 मंथ की पे, 3 मंथ पे जो भी अधिक होता है वो जमा करना होता है। तो आप मेरे हिसाब से NOC लेंगे वो ज़्यादा बेटर विकल्प है। तो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।